हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीएसएल इंडिया लिमिटेड के लेटेस्ट न्यूज़ आप तक लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों न्यूज़ सुनाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि नई दिल्ली 31 जुलाई बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने सभी निवेशकों की जो आवेदन भरने की तिथि वो तिथि 31 जुलाई तक की दे रखी थी। और अब जो ये आवेदन में जो त्रुटियां थी या आवेदन में कोई कमियां थी उनकी जो तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ निवेशक, अधिकांश निवेशक ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ये स्थिति, ये तिथि जो है कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, ये तिथि 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अभी आपके सामने 1-2 महीने का टाइम है, जल्द से जल्द अपनी त्रुटियों को समाप्त करें और जल्द से जल्द अपने पैसे पाने के लिए अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपलोड किए थे उनमें जो कमियां आपको दिख रही हैं वो कमियां आप सुधारें ताकि निवेशकों को सही टाइम से पैसा मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं बता दूं कि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी जो स्थिति, इससे पहले वह समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हुई थी। सेबी ने एक बयान में कहा कि आवेदनों की स्थिति जांच करने की गलतियां सुधारने की अंतिम स्थिति 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दी है। निवेशकों के लिए अपने दावे के आवेदनों की स्थिति देखने का पोर्टल 24 जनवरी से चालू हो गया है। पीएसएल ने कृषि और रियल इस्टेट व्यवसाय के नाम पर लोगों से पैसा जुटाया था। सेबी ने पाया था कि कंपनी ने 18 वर्षों की अवधि में अवैध सामूहिक योजनाओं CIS के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपये अधि संग्रह किया। PSL ने पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड का प्रबंध करने के लिए सेनावृत्ति न्यायिक मूर्ति RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो सब एक फॉर्मेलिटियाँ हैं कि आपके जो बॉन्ड्स वगैरह भरने में जो कमियाँ आ गई थी, जो आपने ऑनलाइन प्रोसीजर लेने के लिए जो अपने आवेदन दिए थे उन आवेदनों में जो कमियां बताई जा रही हैं। दोस्तों, जिन निवेशकों के बॉन्ड और उनके आवेदनों में कोई कमियां नहीं है, दोस्तों ऐसे न जाने कितने निवेशक हैं, उनका पैसा अभी तक नहीं आया, यही विडंबना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हमें मीडिया के द्वारा गुमराह किया जा रहा है वो भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी के द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों 59,000 करोड़ रुपये की देनदारी में अभी तक निवेशकों का जो पैसा दिया गया है कुल 400 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा ही, लगभग 9 लाख निवेशकों को दिया गया था। तो दोस्तों, 3 साल में इतनी धीमी गति से जो प्रोसीजर चलाया जा रहा है, इससे साफ जाहिर है कि निवेशकों को पैसा, जो बड़े निवेशक हैं जो ऑलरेडी जिनके 20,000, 30,000, 40,000 इतना पैसा लगा हुआ है, उनके सामने जो इस वक्त ये प्रोसीजर सेबी विभाग ने चला रखा है वो दोस्तों ऊँट के मुँह में जीरे समान है। यानी कि 5,000, 2,500, 7,000, 6,000 और 10,000 तक के ही निवेशकों का निवारण किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब ऐसे में बड़े निवेशकों के सामने बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। समस्या ये है कि उनके ऑलरेडी पहले ही 2012, 2013, 2014 जो थी उस अवधि में उनका पैसा डबल हो चुका था, और कुछ ऐसे निवेशक थे जिनका पैसा उस अवधि में फिर रिटर्न कर दिया गया था, यानी कि डबल को फिर डबल करने के लिए डाल दिया गया था। तो ऐसे निवेशकों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। जिन लोगों के 4 लाख हो गए थे, उन्होंने उसे डबल करने के लिए फिर डाल दिया था, तो इस तरीके से उनके 8 लाख, और 8 लाख होने के बाद जब 2014 में ये प्रोसीजर, मतलब ये सब जो जितने पल्स के ऑफिस थे बंद कर दिए गए, तो उसके बाद उन कुछ निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में ही फंसे रह गए थे। जिन निवेशकों की समय सीमा अवधि पूरी हो चुकी थी तो उन्होंने अपनी सब बॉन्ड सबमिट कर दिए थे, लेकिन वहां से कोई निवेशक के लिए चेक नहीं बनकर आया। अगर चेक बनकर आता उससे पहले से विभाग ने सभी ऑफिसों पर अपने ताले लगा दिए थे, और इनके जितने भी संचालक थे निर्मल बंगू वगैरह वगैरह, इन सबको जेलों में डाल दिया गया था। तो दोस्तों, अब 5-6 साल तक वो जेल में पड़े रहे। अब सुनने में आ रहा है कि PSL इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट को अब बाहर कर दिया गया, उसमें निर्मल बंगू भी और कुछ इसके और जो सीनियर अधिकारी थे उनको भी अब जेल से बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब मामला ये है कि जेल से बाहर होने के बाद भी निर्मल बंगू कोई ऐसी सहायता निवेशकों के लिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारा
सुब्रत राय को भी जेल से बाहर कर दिया गया था पैरोल पर, लेकिन निवेशकों का पैसे की देनदारी केवल सेबी ने अपने हाथ में ली थी। सेबी विभाग के हाथ में पीएसएल की देनदारी है, तो निर्मल भंगू अपना मौज मारेंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी निवेशक से। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सारा पैसा इस वक्त जितने भी इनके अकाउंट वगैरह वगैरह प्रॉपर्टी थी वो सेबी विभाग ने जब्त कर ली। वो प्रॉपर्टी जब्त की है जो सेबी पीएसएल निवेशकों के पैसे से ली गई थी और पीएसएल के नाम ली गई थी, केवल वो प्रॉपर्टी जब्त की है। अदर बाकी जो प्रॉपर्टी है, बाकी जो इनके अपने बिजनेस है, उन वो निर्मल भंगू के बाकायदा चल रहे हैं, जिससे सेबी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों मामला यह है कि देनदारी से 3 या 4 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी सेबी विभाग निवेशकों को पैसा क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी हमें मतलब संगंधित भूमिकाएं नज़र आती हैं, जिसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से आरएम लोढ़ा जी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और बेचने का कोई मतलब इस तरीके का हमारे सामने, यानी कि जो बिल्कुल कहते हैं पारदर्शिता नहीं दिखा पा रहे कि किस जगह पर कितनी, कौन से ज़िले में, कौन सी स्टेट में कितने करोड़ की बिक्री की। तो दोस्तों इस तरीके से हम नहीं जान पाएंगे कि निवेशकों की देनदारी से कितना ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास रुक गया। हमें तो ये अपना मूलधन भी पूरा वापस नहीं कर रहे। हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया था कि एक निवेशक की जो ऑनलाइन प्रक्रिया के प्रोसीजर में उसने अपने 45,000 की FD या RD खाता था, वो पूरा होने के बाद उसने उसमें सबमिट किया, पहली और आखिरी रसीद उसमें लगा दी, यानी कि पूरी मैच्योरिटी अवधि पूरी होने की जितनी भी 72 उसके पास रसीदें थी पूरी अपलोड ना करके फर्स्ट एंड लास्ट रसीद अपलोड की। तो फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों कि सेबी विभाग ने उसकी पहली और आखिरी रसीद के ही पेमेंट, यानी कि 2 रसीद का पेमेंट उसको वापस कर दिया इस प्रक्रिया में, जो 10,000 तक की प्रक्रिया थी। अब निवेशक अपना सिर पीट कर बैठ गया, माथे पर उसके शिकन आ गई, वो देखने लगा कि यार मेरी 45,000 रुपए की जो FD पूरी हो गई थी, मेरा मूलधन उसमें 30,000 था और 30,000 की जगह ये मुझे 2 ही किस्तों का पैसा मिल रहा है, यानी कि 5,000 की किस्त थी और 5,000 की किस्त की जो अमाउंट था वो सेबी विभाग ने इनको दे दिया था। उन्होंने तो फर्स्ट रसीद की उन्होंने देखना समझा कि इस फर्स्ट रसीद में कितना टाइम इसका पूरा होना है और कितना लास्ट रसीद देगी, कई आखिरी रसीद है, और बाकी की जो बीच की रसीदें थी तो वो तो ऑलरेडी पहले ही पूरी हो चुकी थी, क्योंकि जब फर्स्ट एंड लास्ट रसीद कंपनी निकाल कर देती है तो वो एक किस्त के बाद कोई आखिरी किस्त की नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जब तक निवेशक वहाँ पैसा जमा नहीं करेगा तो कंप्यूटर कैसे वहाँ आपको आखिरी रसीद निकाल कर देगा। इतने भी समझ में सेबी विभाग की नहीं आ पाता कि हम किस तरीके से प्रोसीजर बांट रहे हैं। प्रोसीजर बांटने के लिए हमें आंखें खोलकर काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस निवेशक की फर्स्ट एंड लास्ट रसीद है। इसका मतलब है उसका टोटल अमाउंट बिल्कुल सही है और टोटल अमाउंट के हिसाब से ही निवेशक को जो 40,000 का प्रोसीजर चलता उसमें ये पेमेंट करनी थी, लेकिन 2 किस्तों का पैसा देकर उसको निवेशक के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि उसके जो मूलधन था वो मूलधन 20,000 फिर भी सेबी विभाग की जेब में रखा रह गया। अब वो कहाँ पर इसकी कंप्लेन करे, सेबी विभाग से करे तो सेबी विभाग के पास कोई हेल्पलाइन की इतनी बड़ी सुविधा नहीं होती कि निवेशक की छोटी मोटी जो ये बातें हैं उन तक का उनके पास सही जवाब हो। उनके पास सिर्फ एक जवाब होता है, क्योंकि लिमिटेड जानकारी में सिर्फ ये बताया जाता है कि ये इतने 5,000 का 2,500 या 10,000 का प्रोसीजर चालू है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि दोस्तों अपर सीनियर उनको जानकारी नहीं देते, और जानकारी क्यों नहीं देते, क्योंकि अगर ये इतनी जानकारियाँ देंगे तो पूरा टोटल पैसा तो निवेशक का इनको सेबी विभाग को देना पड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों सेबी विभाग पर केवल जो हेल्पलाइन है उस पर लिमिटेड जानकारी इतनी होती है कि कौन सा प्रोसीजर चालू हो रहा है, उससे आगे की कुछ नहीं। अब जिस निवेशक के सामने ये बड़ी समस्या है उसके, वो निवेशक के लिए ये कहेंगे कि आप सेबी की refund.com इन जो एक साइड है उस पर आप क्या बोलते हैं कि ईमेल भेज दो। अब ईमेल भी भेजते हैं तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद उसी ज़्यादा जानकारी का एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, उस हेल्पलाइन नंबर पर बात करने के लिए जब भी नंबर लगाया जाता है वहाँ पर कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन लगा हुआ है बिज़ी का, बिज़ी कनेक्शन दिखाया जाता है कि बिज़ी चल रहा है। तो ऐसा लगता है जाने पूरी
सब निवेशक बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों रेगुलर जब भी हम ट्राई करते हैं वो बिजी दिखाता है। इसका मतलब साफ है कि ये ऑप्शन वहाँ पर लगाया हुआ है। निवेशकों की इस वक्त गुमराह किया जा रहा है, निवेशकों को छला जा रहा है, निवेशकों के जेबों पर जो इस वक्त सेवी विभाग ने डाका डाला है दोस्तों, ये 49,100 करोड़ रुपये जो गरीब निवेशकों के इस वक्त सेवी विभाग के पास है, उस प्रोसीजर को सही तरीके से बांटने का कोई कहीं से कहीं तक तरीका नहीं है। तो दोस्तों अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसा यहाँ पर प्रोसीजर है, और इस तरीके से अगर प्रोसीजर ये लोग देंगे तो अब निवेशकों को पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 40,000 वाले के जिसे 45,000 रुपये मिलने थे, उसका मैच्योरिटी पूरा होने का जो डेट थी वो भी उसकी पूरी थी, और पैसा भी उसका लगभग पूरा जा चुका था। जमा धन यानी कि 30,000 रुपया तक उसका जो मूलधन था वो तक निवेशक का लेकर बैठ गई ये सहारा और सेबी, तो सॉरी केवल सेबी, यहाँ पर सहारा का नाम आ गया। सहारा का भी मैटर कुछ इसी तरीके से है, वहाँ पर भी सेबी विभाग ने 22,100 करोड़ रुपया निवेशकों का लेकर बैठ गई। कुल वहाँ पर 9 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक बांटा गया, बाकी सारा पैसा सहारा और सेबी के ज्वाइंट अकाउंट में पड़ा है, जो कि निवेशकों का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर दिया गया कि पहले ही ऑलरेडी पैसा दे दिया गया निवेशकों का। तो दोस्तों ये जो इस वक्त एक चक्र चल रहा है, चाहे वो सेबी विभाग के अंडर में कोई सी भी कंपनी हो, सहारा हो, पल्स हो, KBCL हो, कलपत्रो, ना जाने कितनी ऐसी रजिस्टर्ड कंपनियां, 3,000 कंपनियां कहां तक गिनवाएंगे, इन कंपनियों के साथ यही मैटर चल रहा है। और ये इतना पैसा गबन किया जा रहा है इस भारतवर्ष में, इस सेवी विभाग के जो विभाग हैं उन विभागों को जो है कुछ ऐसे सरकारों के अधिकारी, मतलब अपने हुक्मरानों का कहना ये विभाग मान रहे हैं, जिससे इतनी बड़ी धांधलेबाजी सामने उभर कर आ रही है। लेकिन वहाँ समाधान कुछ नहीं है, केवल लिपा पोती चल रही है, और इसके अलावा निवेशकों का कोई समाधान इस जो प्रक्रिया से विभाग की प्रक्रिया उसमें नहीं है। चाहे ऑनलाइन प्रोसीजर ही चला रखा है, उसमें भी निवेशकों को पैसा पूरा नहीं मिल पा रहा है। अब निवेशक कहाँ जाए, ना ऑफिस खुल रहा है, ना सरकार सुनती है, ना कोई पुलिस का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर चल रहा है तो पुलिस क्या कर सकती है, क्या आप कितनी भी बड़ी कंप्लेन कर दो। और रही बात कि सेबी ने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए, तब भी वो ये कहेंगे कि ये हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, ये मामला सेबी का है, वहाँ पर बात करो। तो दोस्तों कुल मिला के निवेशक परेशान है, हताश है, निराश है, डिप्रेशन में, और आत्महत्या करने के लिए उतारू है। तो जाने कितने ऐसे एजेंट है जो आत्महत्या कर चुके हैं, ना जाने कितने करने की तैयारी में है, ये भी हम आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।